हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप कृपया मुझे बताएं कि मैं कहां बैठकर अपना तप आरंभ करूं। देवी, आप यदि अपने पूर्व रूप का ध्यान करती तो आपको इस स्थान का पूर्ण स्मरण हो जाता। आपने अपने महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इन तीनों रूपों में इसी पर्वत की गुफा में बैठकर तप किया था, इसी कारण ये पर्वत त्रिकूट के नाम से विख्यात है। आप इसी गुफा में जाएंगी तो आपकी स्मृति सजग होगी और आप इसी गुफा में तप करने बैठेंगी। पितामह, आपका संकेत मैं समझ गई। वैष्णव, भैरव के भय से भयभीत हो, परंतु मैं तुम्हें अपनी माया और शक्ति से भयभीत करने नहीं आया हूं। वैष्णव, हे वैष्णव, मैं तुम्हारी शक्ति और माया तथा मेरी शक्ति और माया का संगम बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें विवाह बंधन में बांधने आया हूं, इसलिए तुम आंख मिचौली का खेल समाप्त करके मेरे सामने आओ। वैष्णवी, मेरे सामने आओ। वैष्णवी, वैष्णवी, वैष्णव, वैष्णव, कहां छुपी हो तुम? मेरे सामने क्यों नहीं आती वैष्णव? कहां हो? भैरव, 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 उधर भी नहीं, उत्तर में भी नहीं, दक्षिण में भी नहीं, कहां हो तुम वैष्णव? भैरव, भैरव, मैं समय के हर क्षण और ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त हूं। ये तुम्हारी कैसी माया है? तुम दिखाई क्यों नहीं देती? मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में हूं। मेरे श्रद्धालु अपने मन की आंखों से मेरे अप्रत्यक्ष रूप के दर्शन भी कर लेते हैं। तो फिर मुझे अपना प्रत्यक्ष रूप क्यों नहीं दिखाती? जो पापी होते हैं वो मेरे प्रत्यक्ष रूप को देखकर भी मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते। हे वैष्णव, मैं तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को देखना चाहता हूं। मैं अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन अपने श्रद्धालुओं को देती हूँ या फिर उन्हें जो मेरी शरण में आते हैं। तुम मेरे त्रिकूट पर्वत के इस परिसर में आकर अनजाने में मेरी ही शरण में आए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने सत्य स्वरूप के दर्शन दे रही हूँ भैरव। तो ये है तुम्हारा सत्य स्वरूप? नहीं भैरव,
मेरा सत्य स्वरूप इससे भी कहीं अधिक विशाल और विराट है, जिसे ज्ञानी ही देख सकते हैं। मेरा सत्य स्वरूप ब्रह्मांड में हर ओर फैला हुआ है। मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ। तुम अपनी बड़ी बड़ी बातों और अपनी शक्ति के प्रदर्शन से मुझे भयभीत करने की चेष्टा व्यर्थ ही कर रही हो। मैं तुम्हें अपनाए बिना यहां से जाने वाला नहीं हूं। तुम्हें पाने की शक्ति मुझ में है। भैरव, मुझे पाना है तो शक्ति से नहीं, भक्ति से पा सकते हो। मैं तो तुम्हारा भक्त ही हूं। तुम्हें देखते ही तुम्हारा भक्त बन गया हूं। वो भक्ति नहीं, तुम्हारे मन का पाप है भैरव। इसी पाप को नष्ट करने के उद्देश्य से ही मैंने तुम्हें अपना स्वरूप दिखाया है, जो कृपामय है। मैं तुम्हें अपने आप में परिवर्तन लाने का एक अंतिम अवसर और दे रही हूँ भैरव। यदि उस पर भी तुम धर्म के मार्ग पर नहीं आए, तो फिर तुम्हें मेरा वो स्वरूप देखने को मिलेगा जो पाप नाशनी है। अर्थात तुम नष्ट कर दोगी? हाँ, परंतु मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वालों में से नहीं हूँ। मेरी बात को समझने का प्रयास करो भैरव। यदि तुम अपने पापी मन का शुद्धिकरण करना चाहते हो, तो त्रिकूट पर्वत पर तुम्हारा स्वागत है। और यदि ये भी नहीं चाहते, तो वापस लौट जाओ। मैं अकेले वापस नहीं जाऊंगा। तो फिर अब के बाद तुम्हारा हर पग तुम्हें तुम्हारी मृत्यु की ओर ले जाएगा भैरव। वैष्णवी, हे वैष्णवी, तुम अदृश्य होकर मुझसे दूर नहीं भाग सकती। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, अवश्य ढूंढ निकालूंगा। हे पितामह, कृपया मुझे दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए। मुझे अनुग्रहित कीजिए पितामह, मुझे अनुग्रहित कीजिए। आंखें खोलो देवी। प्रणाम पितामह। कल्याणमस्तु। कहिए देवी, किस कारण से आपने मेरा स्मरण किया? हे पितामह, मैं प्रभु श्री राम की आज्ञा से यहाँ आई हूँ, परंतु मेरे मन में एक भ्रम है। भ्रम? किस बात के लिए देवी? हे पितामह, जब से मैं त्रिकूट पर्वत पर आई हूँ, राक्षसों ने बार बार मेरी तपस्या भंग करने का प्रयास किया है। मैंने राक्षसों का तो विनाश कर दिया है, परंतु अब त्रिकूट पर्वत पर स्वयं राक्षस राज भैरव आ गया है। वो मुझे एकाग्र चित्त होकर तपस्या नहीं करने देगा। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप कृपया मुझे बताएं कि मैं कहां बैठकर अपना तप आरंभ करूं। देवी, आप यदि अपने पूर्व रूप का ध्यान करती तो आपको इस स्थान का पूर्ण स्मरण हो जाता। आपने अपने महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इन तीनों रूपों में इसी पर्वत की गुफा में बैठकर तप किया था। इसी कारण ये पर्वत त्रिकूट के नाम से विख्यात है। आप इसी गुफा में जाएंगी तो आपकी स्मृति सजग होगी और आप इसी गुफा में तप करने बैठेंगी। पितामह, आपका संकेत मैं समझ गई। एक बात और है देवी, भैरव के मन में आपके प्रति जो अश्लील पाप है, उसे अब तक तो अपने मन में ही छुपाए हुए हैं। उसके इस पाप का दंड देने से पहले इसे दर्शाना होगा। इसके लिए पहले आपको एकांत में जाना होगा। एकांत में पापी खुलकर सामने आता है। इस उद्देश्य को साकार करने के लिए यही उचित है कि आप गर्भ गुफा में प्रवेश करें। आपका सुझाव उचित ही है पितामह। शेष स्वयं समझ जाएंगी कि गर्भ गुफा में भैरव के पहुंचने पर
आपको क्या करना है? हे परमपिता, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊं। यशस्वी भव। वैष्णवी, तुमने अदृश्य होकर मुझसे मुंह तो छिपा लिया है, परंतु मैं जानता हूं कि तुम अपनी माया का प्रयोग करते हुए यही मेरे आसपास हो। इसी त्रिकूट पर्वत पर तुम्हारा निवास है, परंतु तुम मेरे सामने नहीं आना चाहते। परंतु मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हें कैसे ढूंढा जाए। झाक क्या कर रहे हो? जी वो मैं देवी वैष्णवी को ढूंढ रहा था। अच्छा अच्छा तो तुम देवी वैष्णवी के दर्शन करने आए हो? जी जी, ठीक जगह पहुंचे हो। वो देखो, वो गर्भ गुफा है। माता इस समय गुफा में विश्राम कर रही होंगी। इसका अर्थ है मेरा प्रयास सफल हुआ, मुझे जाना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? देवी वैष्णवी के दर्शन नहीं करोगे? नहीं नहीं, उनके विश्राम में बाधा नहीं डालना चाहता। दर्शन के लिए मैं फिर आ जाऊंगा, पहले अपने गुरुदेव को तो ये समाचार सुनाऊं, वो बहुत उत्सुक हो जाएंगे। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। ओम विष्णवे। अब मुझे तुरंत असुरराज भैरव के पास जाकर समाचार सुना देना चाहिए। असुरराज, असुरराज, हे असुरराज, मैंने वैष्णवी का पता लगा लिया है। वाह गुप्तचर वाह, बताओ वो मायाविनी कहाँ छुपी है? मैं तुम्हारी झोली मोतियों से भर दूंगा। राजकुमारी वैष्णवी इस समय
अपनी गर्भ गुफा में विश्राम कर रही है। गर्भ गुफा में यदि मुझसे छुपकर वो सृष्टि के गर्भ में भी समा जाए तो भी मैं उसे ढूंढ निकालता। महाराज विलंब ना कीजिए, इससे पहले कि वो जाग जाए आप उसके सर पर पहुंच जाइए। अवश्य वैष्णवी, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं वैष्णवी, मैं आ रहा हूं। भैरव, मैंने तुम्हें कितने ही अवसर दिए परंतु न तुमने अपना हट छोड़ा न असुरत्व को छोड़ा। समस्त लोग मुझे माता समझते हैं परंतु तुमने मुझे केवल एक सुंदर शरीर समझा। तुमने नारी का, जिसका प्रथम रूप माता है, आदर करने के बजाय अनादर किया है। तुम केवल सुंदरता के पुजारी हो, केवल वासना के मारे हो, इसलिए मैं समस्त संसार को तुम्हारे माध्यम से ये दिखाना चाहती हूँ कि नारी को देवी और माता न समझकर उसका अपमान करने वाले की क्या दुर्दशा होती है। हे भैरव, हे वासना की दासी आत्मा, तुझे मैंने अपना दिव्य रूप दिखाया, उस पर भी तूने अपनी कुदृष्टि ही डाली और अपनी वासना को प्रेम का नाम दिया। परंतु अब मैं तुझे अपना दिव्य रूप नहीं, वो रूप दिखाऊंगी जो तेरी वासना को केवल वासना ही प्रमाणित कर देगा। वैष्णवी, मैं जानता हूं तुम यही हो, मुझे देखकर छुप गए हो, परंतु अब मुझसे छुपने का प्रयास व्यर्थ है। सामने आओ वैष्णवी, सामने आओ। अब मुझसे लज जाने का क्या लाभ? आ जाओ वैष्णवी, सामने आ जाओ। यू मुझे क्यों सता रहे हो? ये कैसा खेल खेल रही हो मेरे साथ? कहाँ हो तुम? कहाँ हो वैष्णवी? कहाँ हो तुम? सुंदरी, कौन हो तुम? तुम वैष्णवी तो नहीं लगती, परंतु इन सुंदर आभूषणों और वस्त्रों में तुम वैष्णवी से भी अधिक सुंदर दिखाई देती हो। हे परपुरुष, तुम तो अत्यंत निर्लज्ज हो, किसी पराई स्त्री को ऐसी बुरी दृष्टि से नहीं देखा करते। तुम ठीक कहती हो, सुंदरता केवल देखने की नहीं बरतने के लिए होती है। बरतने के लिए जैसे भंवरा कली का रस चूस लेता है, ऐसे ही मैं भी तुम्हारे सौंदर्य का रस चूस लेना चाहता हूँ। छुपे छुपे तुम तो वासना के पुजारी दिखाई देते हो। हाँ हूँ, मुझे फूलों को अपने हाथों से मसल डालने में बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। परंतु सुंदरता हाथों से मसलने के लिए नहीं, आंखों से निहारने के लिए होती है। मैं नहीं मानता, ये धारणा झूठी है। यदि ये असत्य होता कि सुंदरता आंखों से निहारने के लिए नहीं होती तो मनुष्य को सुंदर रंग हाथों के स्पर्श से ही दिखाई देते, ईश्वर मनुष्य को आंखें ही न देता। तुम्हारा तर्क मैं मानने वाला नहीं, मैं केवल अपने मन की ही मानता हूं।
अर्थात केवल मनमानी करते हो, अपने मस्तिष्क से काम नहीं लेते। मस्तिष्क से वो लोग काम लेते हैं जो ऊंच नीच देखते हैं, चौक चौक कर पग धरते हैं। मैं असुर राज हूं, मुझे ऊंच नीच की कभी न चिंता रही है न रहेगी। परंतु तुमने तो मुझे चिंता में डाल दिया है, तुम बेधड़क मेरी गुफा में क्यों घुस गए हो? प्रेम के धागे में बंधा चला आया। अच्छा, किसके प्रेम में? पहले वैष्णव के प्रेम में खींचा आया था, अब तुम्हारे प्रेम में फंस गया। झूठ, यदि तुम्हारा पहला प्रेम सच्चा होता तो तुम मेरे रूप रंग से कभी मोहित नहीं होते। तुम उससे अधिक सुंदर हो। कल कोई मुझसे भी अधिक सुंदर नारी तुम्हें दिखाई दी तो तुम तो उसके प्रति भी आकर्षित हो जाओगे। अवश्य। अर्थात इस धरती पर जहाँ तक तुम्हारी पहुँच है, किसी भी सुंदर स्त्री का मान सम्मान सुरक्षित नहीं? दूसरों की बात छोड़ो, अपनी बात करो। मुझे अपनी चिंता नहीं है, समस्त नारी जाति की चिंता है। स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले राक्षस राज रावण का वध प्रभु श्री राम ने किया है, और स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले एक और राक्षस का वध मुझे करना है। अर्थात तुम मेरा वध करोगी? इससे पहले मैं तुम्हारा सम्मान भंग कर दूंगा। हे मूर्ख प्राणी, तेरा अंत निकट है, परंतु इस गुफा में नहीं। भैरव के हाथ से तुम यूं बचकर नहीं जा सकती। हाँ, रुक जाओ सुंदरी, रुक जाओ। रुक जाओ सुंदरी, एक नारी होकर असुर राज के आदेश का उल्लंघन ना करो। जाओ सुंदरी, रुक जाओ। हे दुष्ट राक्षस भैरव, मैं तुझे वहां भी मार सकती थी, परंतु मैं चाहती हूं कि तेरे जैसे पापी की दुर्दशा ये धरती, ये आकाश, ये पहाड़ियां, ये वादियां सब देखें, और तेरे पापों के परिणाम की साक्षी ये सारी सृष्टि बन जाए। एक नारी होकर मुझे दंड देने की बातें कर रही हो? तुम समझती क्या हो अपने आप को? वासना की आग में अपनी आंखें जला लेने वाले भैरव, तुमने मुझे केवल एक स्त्री समझा है, परंतु सबसे पहले मैं एक माता हूं, जगत जननी हूं। देख, देख मैं क्या हूं। तेरा अंत समय आ गया है भैरव।
माता 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 हे वैष्णवी माता, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी महिमा को पहचान नहीं पाया। मुझे आवागमन के चक्र से मुक्ति दे दो। मैं अधर्मी हूं, पापी हूं, नीच हूं। मैंने संसार की जननी पर बुरी दृष्टि डाली है। मुझे क्षमा करो मातेश्वरी, मुझे मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। हे भैरव, तेरी आंखें तब खुली जब तेरी आंखें बंद होने का समय आ गया। अब जबकि तूने मेरे चरण पकड़ लिए हैं, तेरे मन में पवित्र भाव उत्पन्न हुए हैं, मैं तेरे पापों को क्षमा करती हूं। माता, परंतु हे नराधम, तेरा ये अपवित्र शरीर तथा तेरा ये मुख सदा यूं ही संसार का मार्गदर्शन करता रहेगा और ये चेतावनी देता रहेगा कि पराई नारी पर बुरी दृष्टि रखने वाले का कल्याण कभी नहीं होता। इसी कारण युगों युगों तक तेरा ये धड़ मेरी गुफा के द्वार पर पत्थर की चौखट की भांति पड़ा रहेगा और मेरे दर्शन को आने वाला हर श्रद्धालु भक्त तेरे ऊपर पग धरकर तुझे रौंदते हुए आगे बढ़ेगा। तेरा ये परिणाम बुरे रास्ते पर पग धरने से मनुष्य जाति को रोके रहेगा और जो नहीं रुकेगा वो युगों युगों तक आवागमन के चक्र में चक्कर खाता रहेगा। माता, बलि के साथ माता वैष्णवी का प्रमुख उद्देश्य जो संसार से पाप का अंत करना था पूरा हो गया था। अब उन्हें भगवान श्री राम के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा करनी थी, इसीलिए वो श्री राम के आदेशानुसार त्रिकूट पर्वत की गुफा में प्रवेश करके समाधि में लीन हो गई और राम के कथनानुसार उनके कल्कि अवतार की प्रतीक्षा करने लगी।